हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग एंड सुबह की राम राम। तो भाई अभी तुम जा रहे हो स्कूल विस्कूल, और अभी हम गई हैं चराने आए हुए। तो भाई पीछे देखो, हमारे दो गाय चर रही हुई हैं। अब मोर भी बताता हूँ, मोर भी हमारे खेरे में। देखो भाई, ये रही मोर मस्त, और ये दो हमारी गाय चर रही हैं यहाँ पे। अभी वो चिल्ला नहीं रही, अब चिल्ला जब मज़ा आता है। वाइस वैसे तो मैं बहुत कम ही काम करता हूँ, तुम्हें पता है, क्योंकि भाई अभी ऑपरेशन हुआ है तो अपना तो अभी ज़्यादा घर के काम वगैरह देती नहीं है। मगर आज क्या है, ऐसे ही सिचुएशन है ना, कल है सरात, मतलब आज जो लोग देखोगे जब हमारे सरात बन रही होगी, मेहमान मेहमान आ रहे होंगे, तो पापा वगैरह बाज़ार गए हुए हैं, तो गइयों को चराने के लिए कोई नहीं था, इसलिए भाई अपन आ गए लठ उठाकर। ये सिर्फ बताने के लिए, उनको डराने के लिए, मारने के लिए नहीं भाई। मार गए देखो, गई गौ माता को मारना ना चाहिए। और पहली बात भाई देखो, अभी कितना घोर संकट है, मतलब जो अपना राजस्थान है ना, वहाँ पे पता नहीं गायों को कौन सी बीमारी हो गई है, कौन सा रोग चल रहा है, अभी बहुत ख़तरनाक। वहाँ की जो राजस्थान वाली सरकार है, वहाँ कोई उन्होंने वो ही नहीं दे पा रही उसका उपचार। तो उन्होंने शायद 14 तारीख को ही बंद किया था राजस्थान को, पूरा हाई अलर्ट बंद करने रखा था। सही बात है भाई, करना भी चाहिए। देखो यार, वो अपनी गाय माता हैं सबसे बड़ी भाई, देखो चरणों में उनके अपन दूध दही की जो भी है वो सब खाते हैं उनसे। और वो चल रही भाई देखो मस्त, अभी हम चारा खिला रहे हैं बहुत हमारे खेरे में। कहेगा कल परसों बहुत तेज़ बारिश हुई थी तो पूरा वो ख़राब हो चुका है, कल रहे हैं उसमें, तो काटने वाला है नहीं, इनको खवा देते हैं। पर इसकी साफ़ सफाई होगी, क्योंकि अब भाई बदल, अब तो ठीक ठाक है मौसम, खुल गया नहीं भाई साहब, इतनी तेज़ बाढ़ लगी पड़ी थी कुछ पूछो मत, इतना तेज़ पानी बरसा था कहीं 2-3 दिन कि कहीं आ जा नहीं पा रहा है, इतने लोग, इतनी सारी बाढ़ आ चुकी है भाई। तो भाई आपको दिखाते हैं हमारी गाय माता दोनों पास से, ये रही देखो भाई ये पास, और डर रही है वो भी डर लग रहा है, उन्हें डंडा है ना मेरे हाथ में, जैसे डरा रही हैं वो भी। चलो उन्हें चल रहा, डिस्टर्ब नहीं करते भाई। वहाँ तो यार मच्छर काट रहे हैं बहुत, देखो निशान भी पड़ रहे होंगे भाई। देखो इधर ये पड़ गया, अब इधर ही बैठा हूँ मैं स्कूल के पास में, यहीं थोड़ी देर तक। ओ भाई ये मधुर आवाज़, ठंडी हवा भी चल रही, वैसे कोई दिक्कत भी नहीं है। अभी मोर की इतनी मस्त आवाज़ आ रही भाई, बहुत मस्त लगता है यार। बैठे हैं थोड़ी देर तक यहीं पे, 1-2 घंटे बैठते हैं, फिर इनके बाद मैं ले जाऊँगा घर। पानी तो खा रहा है मच्छर, अब घर पर देख कर आते हैं, कोई आ गया होगा तो ठीक है, अपन से नहीं होता भाई ये काम, बस के लवाई खेती। तो अपन देखते हैं घर पर कोई आ गया हो तो उनको बुला के पहुँचाते हैं खेरे में। अरे कुंजो ना आ गए, तो ये अभी गाइस चार्ज में लगी है हमारी स्कूटी। कुंज हेलो हाय करो, कब आ गए तुम? आज ही आ गए, काव्या भी आई है, मम्मी पापा सब आ गए, तो अंदर देखते। हेलो करो, हाय हेलो करो, नाम बताओ अपना। शिवान शर्मा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? इंडियन पब्लिक स्कूल, पूरा नाम बताया करो। कहाँ भैया, हाय करो, हाय कहाँ जा रहे हो? पानी क्यों भरा, अपने घर नल लगा है, फिर क्यों जा रहे हो उधर? हाँ चल जाओ, भर लड़ाओ कुंजू भाई। अपन अपन चल रहे हैं, घूमबे का जा रहा हूँ तू, अपन चल रहे हैं, रुक जा, अब चप्पल पहन दे भैया। गाइस ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मानती नहीं है, पता नहीं क्या क्या। अम्मा बढ़िया, अम्मा वायरल हुई गाइस, घर पे फोन आ गया बहुत सारे, कल अम्मा ने क्या बोल दिया, कल तो क्या बोल रहा तुमने, सब फोन आ गया घर पे। तो भाई देख कर आते उन बच्चों लोग, और भाई देखो चला लाओ खेल लेने वाले, चले जाओ घर, चले जाओ, उदम मत करो है। अपने देवेंद्र भाई आ चुके हैं, और देवेंद्र भाई बढ़िया, राहुल महाराज ब्लॉग बहुत बढ़िया शानदार है, आप ब्लॉग बना रहे हो, बैठे मंदिर बैठो आज, चले जाओ कौन, चले घर, चले जाओ, चले अपन हम घूमे चलेंगे, गाड़ी चले जाओ, दौड़ जाओ, और कौन सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया। अभी और आपका चैनल कैसा चल रहा है? तो देवेंद्र भाई का भी चैनल है यार, इनको भी सपोर्ट करो यार, देवेंद्र पंडित ब्लॉग के नाम से, देवेंद्र पंडित ब्लॉग के नाम से इनको भी यार सपोर्ट करो भाई, ये अपने क्यों भाई मस्त ब्लॉगिंग बनाते हैं ये भी कोई। और बैठे देखो भाई, ये इनका मोबाइल है, कौन सा है? रेडमी। हाँ भाई चैनल बता दो यार अपना, चैनल निकाल के बता दो थोड़ा। देखो तो ये है देवेंद्र भाई का चैनल, देखो भाई ये आ रहा है स्क्रीन पर, देवेंद्र पंडित ब्लॉग के नाम से है। अच्छा शॉर्ट्स वगैरह सब डालते हैं, मतलब शॉर्ट्स हुए, ब्लॉग भी हुए। और फिर मुझे आपकी, मैं बताऊँ आपकी लैंग्वेज है ना, उसमें आप बोलते हो वो बहुत ख़तरनाक बोलते हो भाई जी, बहुत अच्छा लगता है। बाकी बैठे गाइस हम मंदिर पर, देखो भाई। तो गाइस अब भी शाम का मौसम हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना, कुंज और शिवान के साथ अभी आते हैं हम रोड पर घूमने के लिए स्कूटी से, खेत देखने के लिए। हमारे पास में सोयाबीन के खेत हैं, और वो सब उर्द वगैरह तो कट गए हमारे,
मगर रह गए कुछ भी रह गए 5-7 बीघा रह गए थे, और अब सुधार रहा है सोयाबीन, तो वो भी हो जाएगा 1-2 दिन में, मतलब अभी आए नहीं है वो सबके होकर जाएगा 1-2 दिन में। तो गाइस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं गाइस, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।